आओ जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं कि कुछ डाउट सी रिलेटेड विद कि जड़े क्वेश्चन वगैरह रेज करन दे थे, दोनों ने अपनी लिमिटेशन दस दी, चलो इट्स ठीक है। बट एक मेरी सजेशन है, सजेशन तो नहीं दे सकते, रिक्वेस्ट हैगी कि जो लिटरेचर एक नैक्सट वीक मिलता सानू वो अगर एडवांस मिल देता जाए तो बंदा एटलीस्ट आंदे आंदे पढ़ के उसनू एक प्लान हो जाता, हाँ समझने लायक दूसरे चीज़। तो एक जड़ी साड़ी कंटिन्यूस चीज़ पर फोकस चल रहा सी पंजाबी के उपर, कल डॉक्टर रविल सिंह ने भी बहुत अच्छे लैक्चर दिते हैं। मेरी तो ऑलरेडी अपनी फैमिली फाइट होती रही इस चीज़ रिलेटेड, मैं दो तीन इंसीडेंट डिस्कस करना चाहता इतने। अच्छा चलो छोड़ दो, रहने दें कोई गल नहीं। एक्चुअली होया कि है कि एक दिन मैं किसी आर्मी हेडक्वार्टर इंटेलिजेंस डिवीजन मैंने एक चांस मिला कुछ एक्टिविटी करने का। मैं ये हाईलाइट करना चाहता कि देखो एक अपना कितने डाउनग्रेड असं डाउनग्रेड हो रहे हैं तो कितने दूसरी कम्यूनिटीज है वो कितने कि इंट्रस्ट लेंदी है साढ़े पंजाबी। उत्थे एक कर्नल सैम्यूल मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम करने से थोड़ी देर डिस्कशन होने के बाद वो ऑटोमैटिकली मेरे दे नाल अपने आप ही पंजाबी गलना शुरू हो गया। तो मैं फेस में देखता ही रह गया, मैं यार यार एक तो उसने बाद दसा कि मैं केरल तो बिलोंग करता, बट अनफॉर्चुनेटली मैं चांस मिला कि मैं लास्ट 15-18 साल तो सिख रेजीमेंट नाल काम कर रहा हाँ। तो कहता हूँ मेरे कोई दिख जाए तो मेरे मूँह रह नहीं जाता पंजाबी बोलने तो। दूसरे पक्षों आप देखते हैं कि अपनी कम्यूनिटी से मैं अपनी घर की गल दसना चाहता कि मेरी छोटी सिस्टर है वो बेटी बड़े अच्छे स्कूल पढ़ती है पटियाला, तो वो जिस तरीके से वह एक्सेंट है पंजाबी का बोलने का, तो वो बाद सिस्टर कह लगी यार इदा ना बड़ी खड़ी पंजाबी बोलती है मन पसंद नहीं हैगी। तो दूजे पास असं ये देखते हैं कि असं अपने बच्चों US एक्सेंट सीखने लिए तो UK एक्सेंट सीखने लिए स्पेशल उन्होंने अपने BPO इंडस्ट्रीज भेज रहे हैं। तो मतलब जस्ट सी द थिंग कि कितना वेरिएशन आ रहा साड़ी उद्देश्य। एक सेम इंसीडेंट होर मेरा बेंगलोर काम कर रहा है, एक साउथ इंडियन मद्रासी मुंडा मैंने मिलया तो एरिक्सन का काम कर रहा है, वो तो बीटेक मुंडा काम किया बिल्कुल यंग एज का, जस्ट न्यू जॉब से उसकी। तो वो मैंने फस्ट पहली बार मतलब मिलने तो कहता कि मैं पहली बार किसी सरदार को मिल रहा है, तो इन्ना ज़बरदस्त एक्साइटमेंट सी ना गल करने जी। तो उन्हें कहता मैं सारी अपनी सिख हिस्ट्री पढ़ी है, बहुत अच्छी एनालाइज की है, मतलब वो बड़ी क्वालिटी वाली गल की। कहता एक मैंने बड़ी अच्छी सानू उन्हें मैं पॉइंट आउट किया कि असी जो फिल्म स्टार्ट होंगी ना मद्रास की कोई तमिलनाडु की, उन्होंने लिखा होंगे कि अगर बोल्डनेस सीखना ना बोल्डनेस तो पंजाबियों को सीखो। तो एक साइड असी वो सानू हाईलाइट कर रहे कि देखो पंजाबीयत की हैगी है, तो दूजे पास असी अपनी पंजाबी बिल्कुल डिग्रेड करने तो लगे हुए, मतलब है नहीं। एक थोड़े दिन पहला मैंने देखा कि इतने मोतीबाग साहब जोड़े है भुपिंदर वीर जी उन्होंने बैनर लगा रहे जी, यंग मतलब अपने मुंडे से बैनर लगा रहे हैं उन्होंने कोई हो सैमीनार होने लगा सी, लेकिन आपस गल कर रहे बिल्कुल हिंदी में। मैं क्या यार तुसी एक काम कर रहे हो प्रचार तो गुरमत उपर करने लगे तो आप कम्यूनीकेट हिंदी कर रहे हो। कहना यार हंस के उन्होंने बोले कहना असं यूज टू हो चुके हैं। तो पॉइंट यही है कि सिर्फ कि साढ़े मतलब डिफरेंस कि आ रहा है। तो एक चीज़ हो रहा है जी, एक जैसे एक खाली स्टॉल लगाए अपने एनरोल करने, बैटर है कि अगर हो सके तो सारे गुरुद्वारे ये चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता जाए। दैट्स ऑल, वाहेगुरु जी का खालसा।